तो झारखंड में एक बार फिर सरना धर्म कोड की बात होने लगी है। सालखन मुर्मू जो पूर्व सांसद रह चुके हैं, उन्होंने सरना धर्म कोड को लेकर जनसभा का आयोजन किया। उन्होंने साफ किया कि पूरे उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तमाम जगह के आदिवासी एकजुट हैं और उनकी एक ही मांग है कि सरना धर्म कोड उन्हें दिया जाए और सरना धर्म कोड उन्हें मिलेगा तभी वो वोट करेंगे, यानी जो उन्हें सरना धर्म कोड देगा उसी को वो अपना समर्थन देंगे। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता शाहनवाज जुड़े हुए हैं, सीधे चलेंगे उनके पास। शाहनवाज, एक बड़ी घोषणा है ये सालखन मुर्मू के नेतृत्व में, जो ये घोषणा सामने आई है कि सरना धर्म कोड दो, यानी लगता है चुनाव आते आते ये मसला और तूल पकड़ेगा। बाद में कोई शक नहीं है कि सरना धर्म कोड का विषय झारखंड के लिए एक राजनीतिक मुद्दा भी है, आदिवासियों के लिए ये बिल्कुल उनके मन से, उनके दिल से जुड़ा हुआ विषय है। लेकिन जो पूर्व सांसद हैं और राष्ट्रीय सिंगल अभियान के अध्यक्ष हैं सालखन मुर्मू, लगातार इन चीज़ों को लेकर उठाते रहे हैं और आज जिस तरह से सैकड़ों की संख्या में उनके समर्थक पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और असम से और इवन कि भूटान, नेपाल, तिब्बत से भी आने का दावा किया गया है, सैकड़ों की संख्या में जिस तरह जुटे और तमाम लोगों ने एक सुर में कहा, अपनी भाषा अपनी शैली में कहा कि जिनको भी, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि प्रधानमंत्री अगर 15 नवंबर को आ रहे हैं, अगर इस बात की वो घोषणा कर देते हैं कि सरना धर्म कोड हम देंगे, तो जो विधानसभा चुनाव अभी जिन राज्यों में चल रहे हैं, 5 राज्यों में, वहाँ उनको सीधा लाभ होगा। जहाँ भी आदिवासी बेल्ट है उनको सीधा इसका लाभ होगा। सालखन मुर्मू ने साफ तौर पर यह बताने की कोशिश की कि अगर आदिवासियों को वोट किसी को चाहिए तो सरना धर्म कोड दे और आदिवासियों का वोट ले जाए। तो जाहिर सी बात है ये पॉलिटिकल बयान हो सकता है, लेकिन जिस तरह से सरना धर्म कोड को लेकर के एक आंदोलन चल रहा है वो अब कहीं ना कहीं परिणति की तरफ पहुंचता हुआ दिख रहा है। चूंकि साल 2024 में पार्लियामेंट्री इलेक्शन है और उसके बाद विधानसभा चुनाव है, तो कहीं ना कहीं एक दबाव बनाने की कोशिश भी है केंद्र पर और दबाव और मैसेज देने की भी कोशिश है प्रधानमंत्री के आगमन 15 नवंबर को होने जा रहा है उसके माध्यम से भी, कि किसी भी सूरत में सरना धर्म कोड मिलना चाहिए। आदिवासियों की आइडेंटिटी उनके शिनाख्त से जुड़ा विषय है, लिहाजा उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। सालखन मुर्मू यहीं नहीं रुकते हैं, वो तीन विषयों पर बात करते हैं। एक तो ये कि आदिवासी नेताओं ने, आदिवासी जनप्रतिनिधियों ने ही आदिवासियों को लूटा है। दूसरा ये आदिवासियों के द्वारा, ट्राइबल के द्वारा जितने भी जन संगठन बनाए गए हैं वो भी कहीं ना कहीं आदिवासियों के हितों की अनदेखी करते हैं और सिर्फ अपने लाभ के लिए काम करते हैं। तीसरा विषय वो उठाते हैं कि जिन क्षेत्रों में आदिवासियों को स्व शासन दिया गया है, यानी सेल्फ रेगुलेशन का की हैसियत दी गई है, वहाँ पर जो लोग इसके संचालनकर्ता होते हैं वो भी कहीं ना कहीं आदिवासियों को मिसगाइड करते हैं। लिहाजा अब कहीं ना कहीं जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है जिसे आरएसएस जानते हैं, वैसा संगठन बनाने की ज़रूरत है आदिवासियों को और उस तरह संचालित करने की ज़रूरत है ताकि आदिवासियों को उसका हक और अधिकार मिल सके। तो सालखन मुर्मू बिल्कुल मुखर होकर बोलते हैं और हेमंत सोरेन और उनके परिवार को और पूरे यूपीए सरकार को कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा करते हैं, किस तरह से ये जो सरकार है और ये जो परिवार है और ये जो मुख्यमंत्री हैं कहीं ना कहीं आदिवासियों के हितों की अनदेखी करते हैं। तो जाहिर सी बात है सालखन मुर्मू जानते हैं कि उनको कहीं ना कहीं राजनीतिक तौर पर क्या कहना है, क्या गुना भागा है, वो जानते हैं और समझते हैं, लिहाजा चुनाव से पहले उन्होंने अपना स्टैंड क्लियर किया है। शाहनवाज, उन्होंने आंदोलन की अगली कड़ी का भी ऐलान किया है, शायद रेल रोको चक्का जाम करने की भी कुछ रणनीति बन रही है। उन्होंने कहा कि अगर उनकी मांगों, यानी कि खास करके सरना धर्म कोड का विषय अगर निष्पादित नहीं होता है तो आगामी दिसंबर में भारत बंद की भी घोषणा की जाएगी और जो जहां पर उनके प्रभावी उपस्थिति है वहां पर रेल रोको आंदोलन भी किया जाएगा। क्योंकि 7 राज्यों में आदिवासी सिंगल अभियान का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो काम करता है, जिसमें बिहार, झारखंड है, उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल है, असम है, मिजोरम है, त्रिपुरा है, तो इन राज्यों में उनकी पैठ है, लिहाजा इनके माध्यम से कहीं ना कहीं केंद्र पर दबाव डालने की कोशिश है। जी चलिए शाहनवाज, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो सरना धर्म कोड को लेकर एक बार फिर से सालखन मुर्मू मुखर हुए हैं और उन्होंने अपनी मांग रखी है। देखने वाली बात यह होगी कि आगे इस पर क्या होता है और आंदोलन कौन सा रूप अख्तियार करता है।